दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ में सन्न कर देने वाली वारदात हुई है। सरेआम एक छात्रा को कार में खींचने की कोशिश हुई और नाकाम होने पर गोली मार दी गई। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद मुख्य आरोपी तौसीफ तो पकड़ा गया, लेकिन इंसाफ की मांग को लेकर लड़की का परिवार अब धरने पर है और लोग गुस्से में हैं। दनदनाते हुए एक I-20 कार आई, एक शख्स कार से उतरा और पास से जा रही लड़की खींचने लगा, उसे जबरन कार में बिठाने लगा। लड़की विरोध कर रही थी और वो जोर जबरदस्ती कर रहा था। लड़की बचने के लिए अपनी सहेली के पीछे भी छिप जाती है तो वो बदमाश पिस्टल निकाल लेता है और धमकी देने लगता है। जब लड़की साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती तो वो लड़की को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार देता है। गोली की आवाज से ड्राइविंग सीट पर बैठा दूसरा बदमाश निकलता है और फिर दोनों फरार हो जाते हैं। ये तस्वीर किसी दूर दराज इलाके की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 63 किलोमीटर दूर हरियाणा के बल्लभगढ़ की है। न कानून का डर, न पुलिस का खौफ, सरेआम लड़की से जबरदस्ती, अगवा करने की कोशिश, विरोध करने पर जान ले ली। हैरानी ये है कि ये सब दिन दहाड़े हुआ। सड़कों पर चहल पहल थी, गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग आ जा रहे थे। एक महिला तो पास से वारदात को देख रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना कोई शोर मचाया और ना ही कोई बचाने के लिए आगे आया। जो राजनीति है, जो राजनेता उनसे गुस्सा देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं वो भारी तादाद में यहाँ पर जमा हुई है, लोगों में ज्यादा काफी गुस्सा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि एक आरोपी जिसका नाम तौफीक बताया जा रहा है, मेवात का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन सख्त से सख्त सजा देने के लिए यहाँ पर जो परिवार है, जो रिश्तेदार के आस पड़ोस के लोग हैं, वो यहाँ पर जमा हुए हैं। ये जो पूरी सड़क है इसको बंद कर दिया गया है और परिवार का ये भी कहना है कि कोई भी नुमाइंदा जो सरकार का होता है वो यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है अब परिवार वालों की सुध लेने के लिए। अब जानिए पूरा मामला क्या है। मृतक छात्रा का नाम निकिता तोमर है, वो बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। कल बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से लौट रही थी परीक्षा देकर। गोली मारने वाले का नाम तौफीक है। परिवार की माने तो वो पहले भी निकिता को परेशान करता रहा है, 2 साल पहले भी अगवा किया जिसकी रिपोर्ट लिखवाई गई, लेकिन पुलिस ने फिर सुलह कराकर मामले को रफा दफा करवा दिया। तो उसके बाद हमने FIR दर्ज कराई थी, FIR दर्ज कराने के बाद में उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बाद परिवार वालों ने हाथ पैर जोड़ लिए और ये फैसला हो गया। हमने भी सोचा बेटी की इज्जत क्या करेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। अब उन्होंने कल जो है पहले से दबाव डाल देते कि मेरे से शादी करो। कल शाम को लड़की पेपर दे के बाहर निकल रही थी, आई है दिखाई पे फोन, तो वो लड़का आया, उसको जबरदस्ती गाड़ी में खींचने लगे और लड़की नहीं बैठी, भागने लगी इधर उधर बच के, तो वो गोली मार दी थी। गोली कांड के बाद बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ तक हड़कंप मच गया। हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस एक्टिव हो गई। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद मुख्य आरोपी तौफीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही घंटों बाद दूसरा आरोपी रेहान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। परिवार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। डिमांड है, क्या मांग करते हैं? डिमांड है कि जल्दी से जल्दी एक हफ्ते के अंदर ही अंदर ये फैसला हो और उनको फांसी की सजा दी जाए। आप देख पा रहे हैं जो लड़की के पिता है कितना गम गुस्सा है। ये निकिता की तस्वीर लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कोई कैसे दिन दहाड़े लड़की को उठाने की जरूरत कर सकता है, वो भी सरेआम बीच बाजार। क्या पुलिस का डर नहीं रह गया? इस मामले में तो आरोपी का पुलिस रिकॉर्ड भी है,
दो साल पहले उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो क्या पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती है? क्या दो साल पहले अगर पुलिस ने सख्ती दिखाई होती तो निकिता अभी भी जिंदा न होती? बल्लभगढ़ से सचिन गौड़ और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।